मूवी शुरू होते ही हमें तीन शख्स से मिलवाया जाता है, वेन, कीटन और रॉबिन। जब वेन एक खड़ी कार में सो रहा होता है तो कीटन और रॉबिन अपने मुखौटे पहनते हैं और गोल्डी नाम के एक लड़के का अपहरण करने के लिए एक घर में घुस जाते हैं। अंदर जाने पर वे उसे अपने कमरे में सोते हुए पाते हैं। दोनों उसका अपहरण करने की तैयारी करते हैं, लेकिन गोल्डी अचानक से उसका विरोध करना शुरू कर देता है। नतीजतन रॉबिन उसके घुटनों पर वार करता है और कीटन उसे ईथर की खुराक देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। फिर अपहरणकर्ता उसे कार की डिक्की में फेंक देते हैं और भाग जाते हैं। अगली सुबह वे तीनों गोल्डी को डिक्की से बाहर निकालते हैं। यहाँ ये पता चलता है कि वे सभी कॉलेज के पुराने दोस्त हैं और केंटकी के रेड रिवर में गोल्डी की बैचलर पार्टी के लिए फिर से मिले हैं। वे ब्लूग्रास बॉबन ट्रेल के साथ अपनी सभी पसंदीदा डिस्टिलरी में जाने का प्लान बनाते हैं। डिस्टिलरी मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कोहल बनाने की फैक्ट्री। हालांकि आकिडिया नाम का एक डिस्टिलरी है जिसे वे कॉलेज के दिनों से कभी नहीं ढूंढ पाए थे। इसके बाद वे चारों अपनी पहली पसंदीदा डिस्टिलरी में जाते हैं, लेकिन अफसोस कि अब इसे वाइनरी में बदल दिया गया है। कीटन ने अपनी ट्रिप से पहले इसकी जांच न करने के लिए माफी मांगी, लेकिन सबको आश्वस्त करता है कि वे अभी भी बहुत अच्छा समय बिताएंगे। अब बाकी साथी शराब पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, वहीं गोरी कुछ अच्छे पुराने दिनों को याद करते हुए सड़कों पर घूमने का फैसला करता है। कुछ ही समय बाद वो एक छोटी सी प्राचीन वस्तुओं की दुकान में जाता है जहां वो अक्सर जाता था। उसका स्वागत कैरोलिन नाम की एक लेडी करती है जिसे वो 10 साल पहले प्रपोज करना चाहता था। पहले तो गोरी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जब वो कुछ संकेत देती है तो गोरी हैरान रह जाता है। दोनों अतीत के अपने दिनों को याद करते हुए बातचीत करने लगते हैं। यह पता चलता है कि कैरोलिन ने उसकी सारी चीजें संभाल कर रखी हैं, जिसमें एक वाइन की बोतल भी शामिल है। वो सुझाव देती है कि वे इसे अब साथ में पिएं, लेकिन गोरी हिचकिचाता है क्योंकि वो शराब की लत से उबर रहा है। जैसे जैसे उनकी बातचीत आगे बढ़ती है, कैरोलिन उसे बुलेट ट्रेजर यानी खजाने की कहानी के बारे में बताती है। प्रोटेस्ट के दौरान सरकार सभी शराब बनाने वाली भट्टियों को नष्ट कर रही थी। जब बुलेट परिवार को निशाना बनाया गया तो उन्होंने अपना सारा पैसा निकाल लिया और उसे जंगल में कहीं दफना दिया। गोरी को यकीन नहीं होता कि ये सच है, लेकिन कैरोलिन बताती है कि कई लोगों ने इसकी तलाश की है और साथ ही वे रहस्यमय तरीके से गायब भी हो गए हैं। गोरी इस रहस्य से बहुत एक्साइट हो जाता है और फौरन वाइनरी में अपने दोस्तों के पास वापस जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। वो सबको अपना प्लान कैंसिल करके उस दफन खजाने की तलाश करने के लिए मनाने की कोशिश करता है। रॉबिन और कीटन इसके खिलाफ हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ एक मनगंत कहानी है। हालांकि गोरी याद दिलाता है कि रॉबिन कैसे कहा करता था कि हर कहानी एक वास्तव सच्चाई से जुड़ी होती है और सच्चाई के बिना जीवन निरर्थक है। और आखिरकार गोरी सबको खजाने की तलाश करने के लिए मना लेता है। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, उनके पास एक अनजान आदमी आता है जो रॉबिन को पटाने की कोशिश करता है। गोरी बीच में आता है और उसे दूर जाने को कहता है, लेकिन वो आदमी अड़ा रहता है। इसलिए गोरी एक टेबल चाकू पकड़ता है और उसे उसकी गर्दन की ओर तानता है, जिससे वो आदमी डरकर वहां से चला जाता है। गोरी का ये बर्ताव सबको चौंका देता है। अगले सीन में चार सबसे अच्छे दोस्त खजाने की तलाश में केंटकी के दूरदराज जंगल की ओर बढ़ते हैं। नो ट्रेसपासिंग साइन बोर्ड को अनदेखा कर वे तक ये जगह पर खुदाई शुरू करते हैं। पूरे दिन खुदाई करने के बाद रात को ग्रुप अपना कैंप लगाते हैं और आराम करने के लिए पास में आग जलाते हैं। फिर वे कुछ ड्रिंक और सिगरेट पीते हुए बातचीत करना शुरू करते हैं। इस बीच गोरी की नजर अचानक रॉबिन की छाती पर टिक जाती है, जिससे वो कामुक हो जाता है। फिर उसे रहा नहीं जाता और वो उस पर अपना हाथ रखता है, जिससे रॉबिन फ्रस्ट्रेट हो जाती है। लेकिन कीटन उससे निजी तौर पर बात कर किसी तरह उसे खुश करने में कामयाब होता है। फिर ग्रुप कुछ दिन खुदाई करना, कैंप फायर के पास वक्त बिताना, शराब पीना, गाना और नशा करने में बिताता है। एक दिन चार सबसे अच्छे दोस्त एक साथ मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तभी एक ओल्ड कपल वहां आते हैं। वे खुद को मिस्टर और मिसेज हिचिंस के रूप में अपना परिचय देते हैं और चारों को उनके घर के बने खाने के लिए अपने नजदीकी घर पर इनवाइट करते हैं। जैसे ही वे चारों घर में एंटर करते हैं, गोरी का ध्यान एक पुरानी पर अच्छी तरह से संरक्षित राइफल पर जाता है। वो इसे और करीब से जांचने के लिए अपने हाथ में ले लेता है। जिस तरह से गोरी ने राइफल को पका है, उसे देखकर मिस्टर हिचिंस को लगता है कि वो एक पूर्व सैनिक है और उससे पूछता है कि उसने कहां सेवा की थी। गोरी जवाब देता है कि उसे 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान साइगोन भेजा गया था। हालांकि उसे ट्रिगर खींचने का मौका भी नहीं मिला क्योंकि उनके बैरक में ब्लास्ट हुआ था और उसकी चोट के कारण उसे फौरन घर वापस भेज दिया गया था। ये सुनकर मिस्टर हिचिंस भी अपनी कहानी साझा करने लगते हैं, जिसमें वे बताते हैं कि उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान देश के लिए सेवा की थी। उनकी बातचीत के बीच कीटन वॉशरूम जाता है जहां उसे बुलेट्स के नाम से लेबल किया गया एक साइन दिखाई देता है। इससे वो घबरा जाता है, इसलिए वो उन ओल्ड कपल के बेडरूम में घुस जाता है ताकि ये कंफर्म कर सके कि ये घर बुलेट्स का है या नहीं।
जब कीटन अलमारी की जांच करने लगता है तो उसे एक पिस्तौल मिलती है जिसे वो अपनी सेफ्टी के लिए ले लेता है। साथ ही मिस्टर हिचिन्स ग्रुप से पूछता है कि वे जंगल के रिस्ट्रिक्टेड यानी बैन के हिस्से में क्या कर रहे हैं। रॉबिन जवाब देती है कि वे यहाँ सिर्फ गोनी की बैचलर पार्टी मनाने आए हैं, लेकिन ओल्ड कपल को शक होता है। मिस्टर हिचिन्स कहते हैं कि वे खजाने की तलाश में घुसने वाले पहले लोग नहीं हैं। वो एक सख्त चेतावनी देते हुए कहते हैं कि वहाँ जो कुछ भी दफन है उसे दफन ही रहने दो। तभी कीटन उनके साथ खाने की मेज पर आ जाता है, लेकिन वो गलती से पिस्तौल गिरा देता है। इससे ओल्ड कपल को अब यकीन हो जाता है कि ये ग्रुप यहाँ अपने परिवार का खजाना चुराने आया है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती जाती है, गोनी दीवार से एक राइफल उठाता है और मिस्टर हिचिन्स को बंदूक की नोक पर रखता है और उनका असली नाम जानना चाहता है। जवाब में बूढ़ा आदमी स्वीकार करता है कि वो विलियम बुलेट है। जैसे ही गोनी ये सुनता है वो फौरन उसे गोली मार देता है, जिससे उसके बाकी दोस्त डर जाते हैं। रॉबिन गोनी की इस करतूत से उस पर पागलों की तरह चिल्लाती है। फिर वे सभी अपने अगले कदम पर चर्चा करने से पहले मिसेस बुलेट को मुर्गी घर में बंद कर देते हैं। कुछ देर चर्चा के बाद गोनी कहता है कि उन्हें मिसेस बुलेट को भी मार देना चाहिए। ग्रुप के बाकी सदस्य हिचकिचाते हैं, लेकिन गोनी इस बात पर जोर देता है कि अगर वे उस बूढ़ी औरत को जिंदा छोड़ देते हैं तो पुलिस कभी भी उन तक पहुंच सकती है। और फिर मजबूरन रॉबिन उस बुजुर्ग औरत को खुद ही गोली मारने और दफनाने के लिए आगे आती है। इसके बाद वे चारों पूरी रात सबूत मिटाने में बिताते हैं और सुबह जल्दी ही उस जगह से निकल जाते हैं। घबराए और थके हुए चारों दोस्त अब अपने कैंप को तोड़ने और अपने मिशन के सभी निशान मिटाने के लिए अपने कैंपिंग जगह की ओर बढ़ते हैं। इस बीच वेन गोनी से कहता है कि उसने जो किया वो गलत था और ये घटना पूरी जिंदगी उनका पीछा करेगी। गोनी परेशान होता है और ग्रुप से कहता है कि वो अपना दिमाग ठंडा और फ्रेश करने जा रहा है। फिर वो घर वापस लौटता है और मिस्टर बुलेट के बोरबोन स्टैश को पीना शुरू कर देता है और नशे में डूब जाता है। जब गोनी कुछ समय तक वापस नहीं आता है तो रॉबिन और कीटन जंगल में उसकी तलाश शुरू करते हैं। वे अलग होने का फैसला करते हैं, लेकिन एक घंटे बाद इसी जगह मिलने का वादा करते हैं। कुछ समय बाद रॉबिन गोनी को ढूंढ लेती है, लेकिन वो पहले से ही नशे में है। वो उसे एक पेड़ के तने पर बैठकर थोड़ी बातचीत करने के लिए कहती है। फिर गोनी रॉबिन से गलत तरीके से छूने के लिए माफी मांगता है। वो कहता है कि उसका कभी भी उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, बल्कि उसने हमेशा उसकी परवाह की है। रॉबिन को ये सुनकर बहुत आश्चर्य होता है, जब वो ये भी कबूल करता है कि वो शुरू से ही उससे प्यार करता था। इस दौरान गोनी बातों बातों में अब उसके बहुत करीब आ जाता है, इसलिए रॉबिन उसे दूर धकेलती है और उसे अपना रास्ता खुद खोजने के लिए कहती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर कीटन उसी खजाने वाली बेन जगह पर वापस लौटता है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसे पिछली खुदाई के दौरान ही खजाना मिल गया था, लेकिन उसने ये बात अपने दोस्तों से छिपा कर रही थी। अब वो रॉबिन से मिलने वाली जगह पर वापस जाने से पहले अपने बैग में सारा नकद भर लेता है। रॉबिन से फिर से मिलने पर दोनों अपनी कार की ओर बढ़ते हैं, जहां गोनी पहले ही पहुंच चुका होता है। जब तीनों जाने की तैयारी करते हैं तो गोनी किचन के बैग में भरा नकद दिखता है। अब जब वो मिस्टर बुलेट की पिस्तौल से लैस है तो वो किचन को बंदूक की नोक पर रखता है और सच्चाई जानने की मांग करता है। इस समय रॉबिन भागने से पहले गोनी की आंखों में मिर्च छिड़कती है, लेकिन इसके बावजूद गोनी चारों दिशाओं में गोलियां चलाता है, जिनमें से एक कीटन की फीमरल धमनी में लगती है। भयानक दर्द के बावजूद कीटन किसी तरह जंगल में रेंगने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद गोनी कार में पिस्तौल छोड़ देता है और वेन के साथ कीटन की तलाश में निकल पड़ता है। रॉबिन इस मौके का फायदा उठाकर पिस्तौल पकड़ लेती है और गोनी का पीछा करती है। एक समय पर वो गोनी को पीछे से गोली मारने वाली होती है, लेकिन कीटन उसे समय रहते रोक लेता है। रॉबिन कीटन के गहरे घाव को देखकर चौंक जाती है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करती है। फिर वो उसे सुरक्षा के लिए बंदूक थमा देती है और उससे वादा भी करती है कि वे सारा पैसा दान में दे देंगे। थोड़ी देर बाद गोनी कीटन को ढूंढ लेता है और धीरे धीरे उसके पास पहुंचता है और उसे उकसाने लगता है। फिर वो उससे बंदूक और पैसों का बैग छीन कर कीटन को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। रास्ते में वेन गोनी को ऐसा न करने के लिए मनाने की भरपूर कोशिश करता है, लेकिन गोनी उसकी एक नहीं सुनता। इससे वेन परेशान होकर वहां से भाग जाता है। फिर सीन 10 साल पहले के फ्लैशबैक में जाता है, जिसमें एक रात को जब गोनी रॉबिन और कीटन रेड रिवर डिस्टिलरी में पार्टी कर रहे थे। पूरी तरह से नशे में धुत होने के बाद रॉबिन और कीटन कार में ही सो गए, लेकिन गोनी ने खुद को जगाए रखने की पूरी कोशिश की। हालांकि गाड़ी चलाते समय वो एक पल के लिए सो गया, जिस दौरान उसने गलती से एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। झटके से जागते हुए गोनी कार से बाहर निकला, तभी उसने देखा कि वेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वो जल्द ही उसकी बाहों में मर गया। गोनी को डर था कि वो एक दिन पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने लाश को पास के जंगल में दफनाने का फैसला किया। ऐसा करते समय कीटन और रॉबिन जाग गए और उन्होंने सब कुछ देखा।
लेकिन बाद में तीनों इस घटना को राज रखने की कसम खाते हैं। तब से गॉडी वेन को अपने अपराध के अवतार के रूप में देख रहा है। वर्तमान में वापस रॉबिन जंगल से भागती है, लेकिन बदकिस्मती से वो एक कांटेदार तारों की फेंसिंग में उलझकर गिर जाती है। नतीजतन गॉडी उसे पकड़ लेता है। वो उसे गोली मारने लगता है, लेकिन बंदूक में कोई गोली नहीं होती। पता चलता है कि गॉडी के हाथ से हथियार छीनने से पहले कीटन ने हथियार को खाली कर दिया था। तभी पीछे से मिसेस बुलेट गॉडी को पीठ में गोली मार देती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि रॉबिन ने उसे पिछली रात बख्श दिया था और उसे दफनाने का बस नाटक किया था। इसके बाद रॉबिन खुद ही जैसे तैसे उस कांटेदार तारों की फेंसिंग से खुद को छुड़ा लेती है, जिसके बाद वो आकेरिया डिस्टिलरी की ओर बढ़ती है। फिल्म वेन की हत्या के एक महीने बाद के फ्लैशबैक के साथ समाप्त होती है।